फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, जन्म दीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, जन्म दीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, आमिना के प्यारे का सब्ज गुंबद वाले का, आमिना सब्ज गुंबद वाले का, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। जश्न हम मनाते हैं, रहमतों चादर के साए साथ चलते हैं, रहमतों के बादल के साए साथ चलते हैं। मुस्तफा के दीवाने हद से जब निकलते हैं, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया, सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचाए अहमद, सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचाए अहमद। जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिख चलते हैं, जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिख चलते हैं। नक्श कर ले सीने में सीने पर नाम सरवरे दी का, नक्श कर ले सीने पर नाम सरवरे दी का। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा करूं मैं। खुदा दिल के अंदर तेरा जिक्र लब पर, यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं। काश 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 काश। इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथ में चांदी की अंगूठी पहना करते थे, उसका नग्न था ना वो था सियारा, और उस पर उन्होंने कुंदा करवाया था
हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। किसी ने पूछा तो आपका मैंने इसलिए ये कुंदा करवाया है कि कुरान में ये मौजूद है कि हमारे लिए अल्लाह काफी है। मैं चाहता हूं कि ये कलमा मेरे सीने में नक्श हो जाए। औलिया अल्लाह के कुलूब हैं, यही चीजें नक्श होती हैं, वहां नक्श होती है। नक्श जिससे मोहब्बत की जाती है ना, तो फिर उसी का जिक्र रहता है। हम जैसे नहीं होते। अल्लाह माफ करे हम पर करम फरमाए, महफिल में कुछ तन्हाई में कुछ, अल्लाह हमारी तन्हाई भी अच्छी कर दे। जिस तरह यहां बैठ कर जिक्र में मशगूल हैं, काश अपनी तन्हाई में भी हमारा ये मामला हो। काश जब तक कल्ब और जबान की मुवाफिकत नहीं हो जाती ये चीजें नहीं आती, करार नहीं पकड़ती। ये करार वही पकड़ती है जहां जबान और दिल एक हो जाए अच्छाई पर, नेकियों पर। काश हम नात खानी सुने तो वाकई सुने। कुछ लोग ऐसे सुनते हैं, मैं देखता हूं बड़े हंस रहे होते हैं, पता नहीं मैं लतीफा सुना रहा हूं क्या कर रहा हूं। तवज्जो नहीं है, तवज्जो भी नहीं है और पता भी नहीं है कि जिक्र कौन सा। इस तरह से सुनेंगे तो फिर असर कहां से आएगा, सवाल ही बजा नहीं। हम इस जिक्र को अल्लाह करे सुनने वाले बन जाए और कोशिश करें कि इस जिक्र को उतारें। ये उतरेगा तो बात बनेगी। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला के, अपने लिए भी दुआ करता हूं, आपके लिए भी दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हमारे कुलूब को पाक फरमाए, इसमें सिवाय उसके महबूब और उसकी मोहब्बत के कुछ ना हो। अल्लाह हमारे कुलूब को ऐसी पाकीज़गी नसीब फरमाए। शायर ने कहा कि नक्श कर ले सीने पर नाम सरवरे दी का, ये वो नाम है जिससे सब अज़ाब टलते हैं, ये वो नाम है जिससे सब अज़ाब टलते हैं। छोड़ फिक्र ओ जिक्र शाग बदगा को विर्द बना लीजे, जिक्र शागे बदगा को विर्द बना लीजे, क्योंकि ये वो जिक्र है जिससे गम खुशी में ढलते हैं, ये वो जिक्र है जिससे खुशी हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का, आए अल्लाह। ये हम जो सांस ले रहे हैं, ये सांस क्या है लेना, रहमत है कि नहीं? भाई रहमत है ना, सांस बंद हो जाए तो फिर जहमत होती है ना, तो सांस लेना क्या है, रहमत। बंदा एक दफा सांस लेना तो एक रहमत नहीं होती, फिर सांस को छोड़ता है ये अलग रहमत। सांस ले और सांस बाहर ना आए तो भी बंदा गया है कि नहीं? सांस लेना भी रहमत और सांस को बाहर खारिज करना भी रहमत। तीसरी बताया क्या, सांस जब इंसान खारिज करता है ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। अगर हमारे जिस्म में ये निजाम फेल हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज ही ना हो तो भी बंदा गया। तो एक सांस में तीन रहमत और एक औसतन एक इंसान जो है वो 24 घंटे में तकरीबन 24,000 मरतबा सांस लेता है। कितने, एक घंटे
24 को ज़रा तो 3 से 72,000 कोई माने के ना माने, कम से कम 72,000 रहमतें तो ऐसी हैं जो हुजूर की शक्ति में मिली रही हैं। और अलग है मानने वाले रहमत लेकर भी झूमते भी हैं, जिक्र भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको परवाह नहीं, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे नमक हराम खाते हैं और बुर्राते हैं, लेकिन जो नमक हलाल होता है वो खाता है और गाता है। कौन है वो शख्स, कौन है वो कायनात में वो मखलूक जो हुजूर की रहमत से जिसको हिस्सा नहीं मिला? आप भूल गए, आप भूल गए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, क्या भूल गए आप? मुस्तफा कौन है जो जाने रहमत और जो कायनात के लिए रहमत बनकर आए, दो आलम के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह ने कहा मा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हुजूर की पूरी जात सरा पा रहमत है। ये बात है तो कोई माने न माने, हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का, हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का, के दर के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं, उनके दर के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं, के दर के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं। सच है सैर का एहसान वो कभी नहीं लेते, सच है गैर का एहसान वो कभी नहीं लेते, यानी आका के जो टुकड़ों पे पलते it is।